जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर के आने के साथ ही काफी सारी फैन थ्योरीज उमड़ कर आना शुरू हो चुकी हैं कि क्या यहां अवेंजर्स भी देखने को मिलने वाले हैं? क्या एमसीयू के साथ वेनम 2 को कनेक्ट करके दिखाया जाएगा? क्या एमसीयू का स्पाइडरमैन इस मूवी में किसी कैमियो में दिख पाएगा? आई डोंट थिंक इतने बड़े सवालों के जवाब ट्रेलर के आने के अगले दिन ही बता दिया जाए, क्योंकि मेफिस्टो के टाइम पर जो बोनर देके मार्वल ने KLPD किया था, उसके बाद ज्यादा खड़ी ना करें तो ही बढ़िया है। होप्स, ज्यादा होप्स ना खड़ी करें। You're Ralph Boner? Boner. चुप कर रहे कुत्ते। बट हाँ, एक सवाल का जवाब तो हम जानने की कोशिश कर ही सकते हैं कि वेनम और कार्नेज, इन दोनों सिम्बियोट्स में से ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट आखिर कौन सा है? मैं इन दोनों के बीच इस लड़ाई का एनालिसिस करूं, उससे पहले आप नीचे कमेंट्स में लिख दो कि आपके अकॉर्डिंग इस बैटल में आखिर जीत किसकी होगी। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट वेनम एंड कार्नेज इज दैट दे आर सिम्बियोट्स, और सिम्बियोट्स होने की वजह से वो अपने आप में कुछ नहीं है। उन्हें अपनी पावर्स को यूज करने का मौका मिलता है जब वो किसी होस्ट से अटैच्ड हों, और इनकी स्पीसीज का ओरिजिन हमें बताया गया है क्लिंटार पर। अपने होस्ट के अटैच होने के बाद वेनम की एबिलिटीज हमें बहुत शानदार तरीके से निखर कर दिखाई देती हैं, जहां उसके पास भारी से भारी चीजें उठाने की स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, जिनके अलावा उसकी खुद की एबिलिटीज में शामिल हैं शेप शिफ्टिंग, बॉडी एक्सटेंशंस लाइक मिस्टर फैंटास्टिक, कैमोफ्लाज, और शेप शिफ्टिंग ही उसे अपनी बॉडी से ही बहुत सारे वेपन्स बनाने को अलाउ भी कर देती है। और यही बॉडी एक्सटेंशंस की एबिलिटीज ही एक तरह से वेनम के केस में हीलिंग फैक्टर का भी काम करती हैं, पर ये मोर ऑफ अ रीजनरेशन की ही एबिलिटी है, ना कि हीलिंग, क्योंकि वेनम एक जेली जैसा क्रिएचर होने की वजह से अपने घाव ठीक करने के बजाय काइंड ऑफ उन्हें न्यू ही फॉर्म कर लेता है। और ऐसा करते हुए हमने इसको वेनम मूवी के अंदर भी देखा था, जहां एडी ब्रोक की ब्रोकन लिम्ब्स को वेनम ने कुछ पल में ही रीजनरेट कर दिया था। और स्पाइडरमैन के साथ अपने इनिशियल अपीयरेंसेस की वजह से वेनम की काफी पावर्स हमें स्पाइडी जैसी भी देखने को मिली हैं, जैसे कि वेब शूटिंग, विच ऑब्वियसली आर नॉट वेब्स, बल्कि उसके फेंके हुए वो जाल उसकी बॉडी का ही एक्सटेंशन होते हैं। इसके अलावा उसके 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन की वजह से उसके डेंजर को सेंस करने की एबिलिटीज भी काफी हद तक स्पाइडर सेंसेस जैसी ही हैं। वेनम के बाद बात आती है कार्नेज की, जिसका कैमियो हमें वेनम की फर्स्ट सोलो मूवी में भी देखने को मिल गया था। कार्नेज का होस्ट यानी कि क्लीटस कैसिडी कॉमिक्स में एडी ब्रोक का प्रिजन में सेलमेट हुआ करता था, और हाँ, मूवी में भी कैसिडी को एक सेल के अंदर ही ट्रैप दिखाया गया था। कॉमिक्स में तो कार्नेज को वेनम के ऑफस्प्रिंग की तरह ही दिखाया गया था, जहां एडी के जेल से निकलने में मदद करते वक्त वेनम उसे वहीं जेल में छोड़ देता है, क्योंकि एक सिम्बियोट स्पीसीज होने की वजह से उसे अपने ऑफस्प्रिंग से ऐसा कोई खास अटैचमेंट नहीं होता। और वहां उस जेल में उसके बाद कार्नेज क्लीटस कैसिडी को अपना होस्ट बना लेता है। तो हाँ, वेनम कार्नेज के पिताश्री हैं, और इनका फैमिली रिलेशन बता ही रहा हूँ तो यब कार्नेज का ऑफस्प्रिंग भी हमें कॉमिक्स में देखने को मिल चुका है, एंड हिज और हर नेम इज टॉक्सिन, एंड आई रियली डोंट नो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली बाय माइटोसिस या कोई और तरीके से, आई हैव नो आइडिया। आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट्स में अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर कर देना। मूविंग बैक टू टॉपिक, भले ही वेनम कार्नेज का फादर है, बट हमें आज तक यही दिखाया गया है कि वेनम और एडी के मुकाबले कार्नेज और क्लीटस कैसिडी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिम्बियोट्स को अपनी पावर्स मिलती ही हैं अपने होस्ट के साथ मौजूद बॉन्ड की वजह से। तो अगर इस फील्ड में देखा जाए तो हाँ, यहाँ कार्नेज को वेनम के ऊपर एक मेजर एडवांटेज मिलने वाला है, और साथ ही सिम्बियोट्स का बिहेवियर भी उसके होस्ट के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है, एंड दैट्स द रीजन कि कार्नेज एक मेजर विलन के तौर पर भी नजर आता है, क्योंकि उसका होस्ट यानी कि क्लीटस कैसिडी कार्नेज के साथ बॉन्ड करने से पहले एक सीरियल किलर हुआ करता था, और वहीं एडी ब्रोक के अंदर जो शुरुआत में थोड़ी बहुत बुराई थी वो इसी वजह से थी क्योंकि उसे पीटर पार्कर की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, एंड ही वांटेड हिज रिवेंज, लेकिन आगे हुई रियलाइजेशंस के बाद ही टर्न्ड आउट टू बी अ एंटी हीरो। इसलिए नहीं कि वो बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके क्राइम्स को रोकने के तरीके काफी वॉयलेंट हैं।
एक दूसरा एडवांटेज जो यहाँ पर कार्नेज के पास है वो ये कि जहाँ एस्कार्डियंस की पुरानी जनरेशंस नई जनरेशंस से ज्यादा पावरफुल होती हैं, वहीं सिम्बियोट्स के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है, जहाँ इनकी नई जनरेशन पहले की जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कार्नेज एज अ सिम्बियोट वेनम से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वेनम जहां अपनी बॉडी से वेपन्स को एज एन एक्सटेंशन बना पाता है, वहीं कार्नेज शूटिंग वेपन्स तक क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी की मदद से। और जहां वेनम के पास 360 डिग्री व्यू अवेलेबल होता है, वहीं कार्नेज के पास इसके साथ साथ स्पाइडी सेंसेस के सिमिलर पावर्स भी मौजूद हैं, जिनके साथ साथ वो अपने ओपोनेंट के माइंड को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। विद ऑल दैट बीइंग सेड, यहां क्लियरली कार्नेज वेनम से ज्यादा पावरफुल ही दिखाई दे रहा होगा आपको, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द स्पीसीज, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एवोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो अपने प्रेडेसेसर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट वीडियो को इस टाइम पर जाके देखो, मैंने बताया था कि हाँ, कार्नेज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स इन सब के मामले में वेनम से ज्यादा पावरफुल है, बट एज अ सिम्बियोट, क्योंकि इन सिम्बियोट्स की पावर्स ना सिर्फ इनकी खुद की एबिलिटीज पर बल्कि इनके होस्ट पर भी काफी हद तक डिपेंड करती हैं। इसलिए कार्नेज भले ही वेनम से ज्यादा इवॉल्व्ड और पावरफुल है, और साथ ही क्लेटस कैसिडी और कार्नेज के बीच का बॉन्ड वेनम और एडी के बीच के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बट स्टिल कार्नेज का होस्ट कैसिडी मेंटली अनस्टेबल और एक साइको किलर है, जिसकी इंटेलिजेंस भी एडी के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए जहां इनका बॉन्ड भले ही स्ट्रॉन्ग है, बट कैसिडी की मेंटल कंडीशन और उसकी लो इंटेलिजेंस यहां इस बैटल में कार्नेज को एक मेजर डिसएडवांटेज दे सकती है। बट स्टिल अगर एक फेयर बैटल की बात करें, जहां राइटर्स अपने प्लॉट आर्मर्स का यूज अगर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अप एक बैटल हमें दिखाई जाती है वेनम और कार्नेज के बीच, तो यहां मेरे अकॉर्डिंग तो जीत होगी कार्नेज की, एंड दैट्स डेफिनेटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, क्योंकि कार्नेज की मेंटल अनस्टेबिलिटी भले ही डिसएडवांटेजियस साबित हो सकती है, बट यही इसके लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि इसके एक साइको किलर होने की वजह से इसके बैटल्स में डिसीजन किसी भी तरह की फीलिंग से क्लाउडेड नहीं होते हैं, एंड ऑल ही फोकसेस ऑन इज डिफीटिंग इट्स ओपोनेंट। वैसे ही जैसे कि हमने द इनक्रेडिबल हल्क और प्रोफेसर हल्क के कंपैरिजन के बीच भी देखा था, जहां द इनक्रेडिबल हल्क प्रोफेसर हल्क के साथ बैटल के अंदर कम्प्लीटली बैटल पे ही फोकस्ड होता है। अब उन दोनों के बीच में जीत किसकी हुई थी वो जानने के लिए तो आप ये वीडियो चेकआउट करना। इस सस्ते प्रमोशन के बाद वापस आ जाते हैं कार्नेज वर्सेस वेनम के ऊपर। तो कार्नेज के होस्ट के एक साइको किलर होने की वजह से हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था कि कार्नेज को हराने के लिए एक पॉइंट पर स्पाइडरमैन और वेनम भी कम लग रहे थे, और कार्नेज की एक्सट्रीम फॉर्म यानी कि एब्सोल्यूट कार्नेज के सामने तो सभी अवेंजर्स भी कम पड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो हाँ, आज के शोडाउन का विनर मेरे अकॉर्डिंग तो होने वाला है कार्नेज। आपका आंसर सही है या गलत नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और एक जो मैंने नाम लिया था प्लॉट आर्मर का, उसके बारे में जानने के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने ये भी बताया है कि मूवीज में एलियंस हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों बात करते हैं, आई मीन ओरिजिनल डब्स में, वरना तो तुम लोग कहोगे कि जो मैंने देखी थी उसके अंदर तो एलियंस हिंदी में बोल रहे थे। वेल, ये वाली वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और इनक्रेडिबल हल्क और प्रोफेसर हल्क के बीच एक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अनटिल देन, बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।